Yes, hello students. Today I am telling you about exercise 1.2, in which what you have to do, you have to find the LCM, HCF and prime factorization. Before that, I am telling you what is fundamental theorem of arithmetic that will be used in this exercise. Now, so listen carefully, what is the fundamental theorem of arithmetic? See the statement here. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किसी भी नेचुरल नंबर की, वो यूनिक होती है, बस उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है. ठीक है, जो आपने लोअर क्लासेस में किया भी हुआ है. तो ध्यान से देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. कि जो किसी भी नंबर की, नेचुरल नंबर की, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो हमेशा यूनिक होती है, बस उसका जो ऑर्डर है वो आपका चेंज हो सकता है, बाकी आपकी सेम रहती है. एग्जांपल यहाँ मैंने आपको करके दिखाया, जैसे कि 24 है, इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो वो आपको पता है कि हम इसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे. 2 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 12 पर. फिर 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 पर. 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पर. फिर 3 की टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 पर. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब देखिए यहाँ पर जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है, तो पावर 3 आ जाएगी इंटू 3. और यू कैन राइट इट, 3 को हम आगे भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 को हम पीछे लिख सकते हैं. यहाँ पर यही बात की गई थी, एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर, कि इसका जो ऑर्डर है वो आपका चेंज हो सकता है, बाकी आपका सेम रहेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का वो यूनिक होगा. अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं. एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं उनको आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वो हम देखिए कैसे करेंगे. आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं बता रही हूँ. आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है. 156 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 27 जा 14, 28 जा 16, 23 जा 6, 29 जा 18, 31 जा 3, 33 जा 9. अब 13 की टेबल से, तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 का. और इसमें देखिए 2 आपका 2 टाइम्स आया है, तो आप 2 की पावर 2 लिखेंगे. 3 वन टाइम है तो एज इट इज़, 13 वन टाइम है तो एज इट इज़. सो आपको इसको प्राइम फैक्टर्स की मल्टीपल के फॉर्म में लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. आपको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, तो आप लिख चुके हैं, यही आपका आंसर है. ऐसे इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, 3825, इसको भी आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपको लिखना है. तो उसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको. अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 5 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, आप 3 से चेक कर सकते हैं. जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, 1275. ऐसे इसको अगेन 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से. सो 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1. हेयर जो 3 कम 2 टाइम्स, जो 3 है वो 2 टाइम्स आया है, 5 जो है वो भी 2 टाइम आया है, एंड 17 वन टाइम. सो यू विल राइट इट एज 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17, दैट इज़ द आंसर. आई थिंक यू कैन ट्राई द लेफ्टर पार्ट्स. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. योर स्टेटमेंट इज फाइंड द HCF एंड LCM. Find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. आपको क्या करना है, पहले इनका LCM निकालना है और HCF निकालना है, और फिर आपको चेक करना है कि क्या LCM into HCF हमेशा product of two numbers के इक्वल आते हैं. तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे. देखिए 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया आपने, फिर 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 इंटू 1. ऐसे ही 91 को मैं क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 1. अब देखिए दोनों में जो है HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों के अंदर, तो वो आपका कितना है, 13 है. और LCM आप कैसे लिखेंगे, जो कॉमन है उसको वन टाइम लिखना है और बाकी जो नंबर्स बच गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 2 इंटू 7 इंटू 1 आप लिखो या ना लिखो सेम बात है. तो यहाँ से क्या आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182. सो दिस इज़ योर LCM. HCF में आपने क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों के अंदर वो आपका कितना है, 13 है. और LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो वो आपका यहाँ पर कितना है, 2 इंटू 13 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 182.
तो आपने इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब आपको वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो वो देखिए, आपका एलसीएम आपका था 182, एचसीएफ आपका 13 था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये जो दो नंबर जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसके प्रोडक्ट के आपको इक्वल रखना है 26 × 91। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2366 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो है आपस में इक्वल है। हैंस आपको जो वेरिफिकेशन करनी थी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो आपका आ चुका है। ओके, बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपके सेम इसी पैटर्न से चलेंगे। सो यू मस्ट राइट नाउ क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 इन विच व्हाट यू हैव टू फाइंड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको तीन नंबर्स दे रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको सिंपल एक ही नंबर दे रखा था जिसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको दो नंबर दे रखे हैं और दोनों का आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफिकेशन भी करनी है। और अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर वन था, यहाँ पर टू नंबर्स है, यहाँ पर थ्री नंबर्स आपको एक साथ दे दिए हैं और आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो देखिए हम क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न से करेंगे बिल्कुल। 12, 15, 21 ये आपको तीन नंबर्स दे रखे हैं। इसकी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 12 की 2 6 12 2 3 6 3 1 3। इसको भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की 15 की, फिर 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब देखिए एचसीएफ का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि आपको कॉमन निकालना है तीनों में से। तो आपका देखिए 12, 15 और 21 इनमें से कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा क्योंकि हर एक में आया है इसके फैक्टर्स के अंदर। और जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7 × 3। तो इसको जब आप रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420, दैट इज़ द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर। सिंपल प्रोसीजर है बिल्कुल, आपको जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और एचसीएफ में आपको जस्ट कॉमन फैक्टर देखना है और जो एलसीएम है उसमें आपको जो कॉमन फैक्टर है वो आपको एक बार लिखना है और बाकी जो नंबर्स हैं सबको आप लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एलसीएम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर इन सीबीएसई बोर्ड और इन हरियाणा बोर्ड, इन बोथ द बोर्ड्स दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। सो लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। सो लिसन केयरफुली हाउ वी विल डू इट। In this question also we will simply use the rule, that is LCM into HCF is equal to product of two numbers. With the help of this formula we can find out the LCM of these number. हम क्या करेंगे, आपको HCF दे रखा है इस question में और आपको दो numbers दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है, इन दोनों numbers का आपको LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस question के अंदर, हम ये वाला जो formula हमने ऊपर अभी verify किया था उसी formula की help से हम अपना question करेंगे, LCM into HCF that is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो लिसन सी है हाउ, देखें एच सी एफ आपको दे रखा था 9, एल सी एम आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, यही आपका फॉर्मूला यूज़ कर दिया, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एल सी एम इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 306 × 657। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, सो यू विल गेट 22338। ओके, दैट इज आंसर। आपको यहाँ पर बस ऊपर नीचे इसको कैंसिल आउट करना है और बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं उन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट यू विल गेट द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0, 4 इन नेचुरल नंबर n। आपको ये चेक करना है कि क्या कभी भी 6n जो है वो 0 से एंड होगा, ये आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया क्योंकि बच्चों कंफ्यूजन होती है कि ये दिया क्या हुआ है। तो देखिए क्या है, 6^n, इसमें ये बोला गया है कि n की अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे क्या कभी आंसर में लास्ट जो डिजिट है वो 0 आएगी, ये आपका क्वेश्चन है। वंस डिजिट पर कभी भी क्या इसमें 0 आएगी, आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन की कोई भी वैल्यू रखने पर क्या कभी आंसर में वंस डिजिट 0 आएगी, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, इफ़ द 6^n
एंड्स विद द डिजिट ज़ीरो, कि अगर आपका 6 की पावर n एंड करेगा डिजिट ज़ीरो के साथ, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। सिंपल सी बात है, कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे कि सपोज़ आप ले लो 30 ले लो, ठीक है, अगर इसकी लास्ट डिजिट ज़ीरो होगी तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। 2 से कटिंग करोगे तो 15 आएगा, और इसको अगर 5 से काटोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर ये पीछे 10 आएगा, 0 आएगी आपकी, तो ये क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। बट 6 रेस्ट टू पावर n इज़ ओनली डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब देखिए ये कैसे बोला है कि 6 की पावर जो n है वो हमेशा डिविजिबल होगा ओनली 2 एंड 3 से। कैसे? क्योंकि जब हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें क्या आएगा, 2 और 3 दो ही आपके फैक्टर आते हैं इसके अंदर, और कोई फैक्टर नहीं आता। और 10 से अगर हो रहा है तो 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी लास्ट डिजिट ज़ीरो होगी तो ये 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमारा जो 6 की पावर n है उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 एंड 3 दो ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, आने चाहिए थे क्या 2 एंड 5, लेकिन आ क्या रहे हैं 2 एंड 3। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि आना चाहिए था 5 लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी आपका डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया उसने क्या बोला था, कि अगर वो 0 से डिवाइड होगा तो उसके 2 एंड फैक्टर दो पेयर आएंगे, ठीक है, दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर 6 से हो रहा है तो 2 एंड 3 से आ रहा है, 2 तो दोनों में आ रहा है लेकिन आपका ये जो 5 है ना वो नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये कभी भी आपका 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4th मैंने आपको बताया है, चेक वेदर 6 रेस्ट टू पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। ऐसे ही आपका एक एग्जांपल है बुक के अंदर, जिसके अंदर 6 की पावर n ना होकर 4 की पावर n है, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा कि आपको ये बताना है कि 4 की पावर n जो है वो क्या कभी 0 से एंड होगा। तो उसमें भी आपका सिमिलर प्रोसीजर है कि अगर ये 0 से एंड होगा तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन जब हम 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बस 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो है ये भी आपका कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स के लिए या फिर आप 1 मार्क्स के लिए पेपर में आ जाता है, कभी CBSE बोर्ड में आ जाता है और कभी कभी हरियाणा बोर्ड में भी आ जाता है। सो लिसन केयरफुली, द स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 + × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि ये जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, एक तो आपको ये नंबर दे रखा है पूरा नंबर और एक आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये दोनों जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, क्यों है, आपको रीज़न देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिंपली वो नंबर्स जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप 5 का एग्जांपल ले सकते हो, 5 जो है ओनली 1 की टेबल से डिवाइड होता है और अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 1 की टेबल से भी डिवाइड होते हैं, अपनी टेबल से भी डिवाइड होते हैं और किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर 15 लेती हूँ, 15 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। सो यू कैन से दैट 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड देयर ओन टेबल, जो 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं और अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 ओन टेबल एंड अदर टेबल्स ऑल्सो। इसका जो एग्जाम्पल है मैंने 15 दिया है कि 15 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 15 से भी होता है। सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। और आप सिंपल भी याद कर सकते हैं कि वो नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। ये पेयर में चलते हैं, या तो कोई भी नंबर आपका प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। आप ये जस्ट चेक कर सकते हैं कि अगर वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, और रिवर्स भी पॉसिबिलिटी, अगर वो कंपोजिट नहीं है तो प्राइम होगा, ठीक है। अब वो आप देख लेना कैसे याद करेंगे आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। आपको स्टेटमेंट दे रखी थी कि ये जो नंबर है वो आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन है वो लिख भी रखी है, वो नंबर्स जो अपनी और वन के अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने सिक्स को लेके दिखाया था, 1 2 3 6 से भी, मतलब सिक्स जो नंबर है वो आपका इन टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इनको कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये जो क्वेश्चन है आपके जो स्टेटमेंट में आपको दो नंबर दे रखे हैं वो कंपोजिट नंबर है, वो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। पहले हम इस नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर में से आपको पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन में टर्म कितनी है, आपकी दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है, दो टर्म दिख रही हैं आपको। अब दोनों टर्म में से आपको कॉमन देखना है कि आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले दिया। यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ से क्या बचा 11, और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ रखी मैंने। अब आपको आगे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे है, अब देखिए इसको अगर आप सोच सकते हैं, एक तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन इसको वैल्यू को, तो आपके पास एक नंबर आएगा, ठीक है, एक नंबर वो, एक वन और एक, यहाँ से आपको पता लग गया कि 13 की टेबल से भी ये पक्का डिवाइड होगा क्योंकि वो कॉमन निकल के आ चुके हैं, ठीक है। एक नंबर तो वन से डिवाइड होगा ये, और एक पूरे होल नंबर की जो वैल्यू होगी वो, और एक 13 से आपको पता लग रहा है कि 13 से डिवाइड होगा, तो हम यहीं से ही बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए 7 × 11 और यहाँ से 1 बच गया, 11 × 7 = 77 + 1, तो ये क्या आ गया 13 × 78। अब देखिए जो नंबर है कौन कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है अगर हम सोचते हैं, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए एक तो ये नंबर डिवाइड होगा 1 से, ठीक है, एक जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर से डिवाइड होगा, फिर आपको पता लग रहा है कि ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 8 है यहाँ पर, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दो टेबल मतलब वन और अपनी टेबल के अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट नंबर होता है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट बोल सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से इसमें भी आपको प्रूव करना है फिर से कि ये कंपोजिट नंबर है, कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 5, जब आप 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास ये टर्म बचती है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, पहले इन टर्म्स की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 1008 आएगा, प्लस 1 इनको ऐड करेंगे तो 1009 आएगा × 5। अब आपको फिर से पता लग गया होगा क्योंकि ये जो नंबर है इसके जब आप कैलकुलेशन करोगे, एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, एक इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा, ठीक है, एक आपको पता लग रहा है कि 5 से डिवाइड होगा, तीन नंबर आपके पास आ चुके हैं, सो दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, क्योंकि ये जो नंबर है दो नंबर से ज़्यादा से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर हैं दोनों जो आपको अलग अलग दे रखे हैं वो कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ओके, थैंक यू।